नमस्कार दोस्तों, कभी आपने लेयर मॉकटेल ट्राई किया है घर में? लेयर बनाना सबको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट बात है, मगर मैं आज अभी जो मॉकटेल बनाऊंगा आपके सामने वो 3 लेयर्स मॉकटेल होगा। आप घर में आराम से बना सकता है, अगर मुझे ये मौका दे या ये वीडियो फॉलो करे तो आप आराम से ये घर में बना सकता है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सिंपल है, आइस, मैंगो जूस, कोका कोला और थोड़ा सा लाइम जूस। तो नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए कॉकटेल्स इंडिया और अभी मैं शुरू कर रहा हूँ एक मॉकटेल जो है 3 लेयर्स मॉकटेल। हाँ दोस्तों, ग्रेनेड बोलना भूल गया, तो ये ग्रेनेड जूस सिरप भी है, ये और एक कलर देता है। तो दोस्तों देखते रहिए कैसे मैं बनाता हूँ ये लेयर मॉकटेल। मैं पहले तो आइस लूंगा बहुत सारा। आइस देने के बाद मैं इसे पोर करूंगा मैंगो जूस। ये छोटा सा टेट्रा पैक मेरे पास है तो मैं ये मैंगो जूस पोर करता हूँ आपके सामने। ये आ गया मैंगो जूस। अभी फिलहाल इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लाइम जूस देना चाहूंगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि कोई भी मॉकटेल या कॉकटेल बनाने के लिए थोड़ा सा बैलेंस जरूरी है। हालांकि मैं सारा का सारा इंग्रेडिएंट जो है ये मीठा है बहुत, तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया। अब लेमन जूस ऐड करने के बाद मुझे थोड़ा सा स्टियर करना है। अभी स्टियर जैसे हो गया तो मैं थोड़ा सा आइस और ऐड करूंगा। जी दोस्तों, अभी मैं ग्रेनेडाइन सिरप दूंगा। ग्रेनेडाइन मोर्निंग का भी मिलता है, बहुत मनामा कंपनी का मिलता है, आपको बहुत सारा कंपनी का ये ऑप्शन मिल जाएगा ग्रेनेडाइन सिरप का। ये बेसिकली ये पोमोग्रेनेट जूस है जिससे ये बहुत सुंदर कलर निकल कर आता है। तो मैं ये ऑटोमेटिकली दूंगा ऊपर से, फिर तो नीचे सेटल्ड हो जाएगा। ये देखिए आराम से ये नीचे सेटल्ड हो रहा है। तो मैं हल्का इसको ट्विस्ट कर दूंगा तो इसमें क्या होगा, ये सनराइज जैसे टेक्सचर देखने को आएगा। अभी मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं कोक डालूंगा। कोक अगेन एक मालूम है आपको कोक क्या चीज है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये मैं यहां से आराम से डालना चालू करूंगा आहिस्ता आहिस्ता बार स्पून के ऊपर। देखिए मुझे ध्यान करिए थोड़ा सा, बार स्पून या कोई भी स्पून आपके पास जो भी स्पून होगा, स्पून को बीच में पकड़िए आइस के ऊपर हल्का सा और हल्का हल्का पोर करते चले जाइए। ये कोक ये नीचे नहीं जाएगा बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नीचे नहीं जाएगा। तो ये हल्का हल्का हमको ऊपर से पोर करना है। तो ये जो है ये लेयर आ गया ऊपर से हल्का करके। देखिए दोस्तों ये 3 टेक्सचर आपको दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें थोड़ा सा गार्निश दूंगा और गार्निश में दूंगा एप्पल सिरप। जो कॉकटेल में आपको कुछ डिफरेंट लुक दे देगा। ये मैं ऐसे करके स्लाइस करूंगा इसको। और मेरे पास एक कॉकटेल पिन है जो दिखाना चाहूंगा, एक सिंपल सा पिन है, मैं इसको यहां से लेकर वहां तक पार कर दूंगा। मुझे 2 लेना है क्योंकि इसको थोड़ा सा स्पीड कर लीजिए पार करने से पहले, इसमें ये टेम्पल जैसा देखने में लगेगा। आप इसको आराम से यहां से पार कर लीजिए यहां से वहां तक। और एक यूज करिए नीचे का पार्ट को यूज करने के लिए। तो ये मेरा मॉकटेल का ये बन गया गार्निश। जी हाँ, अभी इसके ऊपर मैं एक स्ट्रॉ डालूंगा एज यूजुअल। ये बन गया 3 लेयर मॉकटेल जो आप आराम से घर में बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।
मैं आगे भी जाके ऐसा मॉकटेल बनाता रहूंगा जो आप घर में ट्राई करके सबको हैरान कर दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।